हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये दैनिक राशिफल जो है आपका और पंचांग दोनों तो ये थी जानकारी आपके पंचांग के विषय में। जो आज का पंचांग है उसको लेकर के हमने आपके साथ शेयर किया ये जानकारी। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल की और आरंभ करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। तो साथियों, आज का जो दिन है, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपनी अच्छे विचार रखते हैं, तो ऐसे उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और आज के दिन जो आपका हुनर है, जो आपकी काबिलियत है और जो आपके कार्य करने के तौर तरीके हैं, उनकी भी लोग प्रशंसा करेंगे और अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी आज हो सकती है आपको। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके उपरांत धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वैसे समय अच्छा है, लेकिन परीक्षा से, एग्ज़ाम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि सामना करना है। अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, आप हिम्मत ना हारें, उपाय आप करें। कार्य क्षेत्र में उन्नति अगर देखना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए प्रातःकाल उठते ही भगवान सूर्य के दर्शन करते हुए 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ें, यानी कि 11 बार जो है आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आज के दिन शुभ रंग सिलेटी और शुभ अंक 1। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, आज के दिन इस बात की संभावना ज़्यादा है साथियों कि कोई और व्यक्ति आपके हुनर को फॉलो करे, यानी कि जो काबिलियत आपके पास है उसको वह भी फॉलो करे उसी तरह से, और फॉलो करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ना चाहे, ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी से बात करते हुए थोड़ा सावधानी भी रखें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ जो आप ने जिसको इनोवेट किया है या जिसको आप पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जो भी जिम्मेवारी है, और उसका क्रेडिट कोई दूसरा ना ले जाए, यानी कि काम आप करें और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए। तो इसलिए आप जो भी बात करें संभल के करें और सभी के साथ अपना सीक्रेट शेयर ना करें। हालांकि आपको अपने हित के विषय में बड़े गंभीरता से सोचने का समय है ये, और अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियों को साझा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरज रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी ही जो आपके वेल विशर बनते हैं वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे आपके सामने। उपाय आप कर सकते हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहने। शुभ रंग आपके लिए है आज केसरी, शुभ अंक बनता है आपके लिए आज 6। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, वैसे तो कुल मिलाकर के दिन आज का आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इस बात की संभावना बन रही है कि आप किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के थोड़ा अधिक सोच विचार करेंगे और उसको लेकर के परेशान हो सकते हैं उन चीज़ों को लेकर के। हालांकि ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ दिमाग में आती है तो परेशानी महसूस करता है इंसान, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित हो सकती है, बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ये समय जो है बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का ही है। उपाय आप करें, काले घोड़े की नाल से बना छल्ला पहनने से हेल्थ आपका मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, शुभ अंक आपके लिए आज 4। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, तो आप कर्क राशि वालों को बताना चाहेंगे कि ऐसे वो कार्य अपने हाथ में लें जिनको पूरा करने पर आपको उसका सीधा क्रेडिट मिले। आपको ऐसे उन कार्यों को करना है कि जिनसे आपको रिकॉग्निशन मिले और उसका सीधा सीधा 100% क्रेडिट भी आप ही को मिले, और अपने आप को
बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना थकाएं, और ऐसे जो विषय हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है उन पर भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी भी कोई बात किसी से ना कहें कि जिससे आपकी बात से किसी भी व्यक्ति का दिल दुखी हो। जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ करके बोलें, और बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, किसी साधु या अपंग व्यक्ति को चारपाई का दान अगर करेंगे आप, तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 8। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है ये कुछ थोड़ा सा साहसिक कदम उठाने का है, कुछ ऐसे बहादुरी वाले कार्य करने का है कि जिनको करने पर आपको ये लगता है कि भाई आपको आपका नाम होगा और आपका इससे शौर्य बढ़ेगा। तो ऐसे वो कार्य करने का दिन है आज, ऐसे कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसके स्थान पर मजबूत फैसला लेना है, साहसिक फैसला लेना है, और अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया जो भी फैसला आपके द्वारा होगा वो आपके जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शायद आपको अभी ये महसूस ना हो, इतना पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा आपके लिए। उपाय आप कर सकते हैं, काला सुरमा वीरान स्थान में जाकर के कहीं दबाने से आपका जो स्वास्थ्य है वो उसमें सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए आज 3। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। प्रिय साथियों, आज आप जो भी कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो घट रहे हैं उनके बारे में पहले से ही आपको कुछ अनुभूति हो सकती है, एहसास हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है, किसी भी चीज़ को सोच करके जो जो घटनाक्रम है, घटने वाली चीज़ें हैं, पहले से ही उनके बारे में आपको एहसास हो सकता है। और आपकी जो संचार क्षमता है, जो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगी आज, और आपका जो सोचने समझने का जो ढंग है वो भी बड़ा खुला, मतलब खुले विचार रहेंगे आज आपके। इसीलिए जो भी आप चाहते हैं पाना उसके लिए थोड़ा सा मेहनत अधिक करें, और हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपना समय व्यर्थ ना करें, और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहें, बचें, और अपने आप को किसी भी उलझन में डालने से भी बचें, उलझनों से दूर रहें। आज जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, अपने आप को वहाँ से दूर रखें। उपाय, जल प्रधान वस्तुओं का सेवन करने से, लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है आज भूरा, और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है कुछ ऐसा आपको लिए साबित हो सकता है कि जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा एहसास होगा कि आज कुछ बदलाव जैसी स्थिति आपके सामने आ सकती है चीज़ों में, कि भाई कुछ चीज़ों को लेकर के चेंजेज जो कहते हैं ना, कुछ इस प्रकार का कुछ दिन आज आपके लिए रहने वाला है, और आपकी मुलाकात भी किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम बन सकता है। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए, ऐसा नहीं है कि सभी बदलाव अच्छे रहें, कुछ अच्छे भी रहेंगे, कुछ हो सकता है अच्छे ना भी रहें। इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार कर आगे बढ़ने की बात सोचें, आपको ये भी देखना होगा कि क्या ये बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इस पर भी विचार करना होगा। उपाय आप करें, तले हुए काले चने गरीबों में बांटेंगे तो प्रेम संबंधों में आपके मजबूती आएगी। शुभ रंग आपके लिए है आज ग्रे, और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 5। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, आज आप भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर हो या आपका ऑफिस, सभी आपसे प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी
विशेष खास व्यक्ति के साथ आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, वहां एंजॉय कर सकते हैं। दिन शांत और तनाव रहित आपका निकलने वाला है। आज आपको कुछ धन का भी लाभ होने की संभावना दिखती है, लेकिन अपने खरीदारी वाले खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। उपाय आप करें, अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति बनाकर छोटी सी अपने पूजा घर में स्थापित करके रोजाना नियमित रूप से उसकी पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 9। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। साथियों, आज कोई ऐसी आप यात्रा पर रोमांचक यात्रा पर निकल सकते हैं जिसका पहले से कोई प्लानिंग आपके द्वारा ना किया गया हो, अचानक प्लान बन जाए, अचानक मूड बन जाए कि चलो भाई चलते हैं। हो सकता है कि शहर में ही कहीं घूमना आप चाहें आसपास, लेकिन आपका विचार जो होगा आज के दिन पूरा एंजॉय करने के मूड में रहेंगे आप, और ऐसा होगा भी कि आप एंजॉय करेंगे भी। आप किसी करीबी के साथ हुए आपके जो गिले शिकवे हैं उनको भी आज आप दूर कर सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा पहले आप ऐसा कर लेते तो और भी अच्छा रहता, परंतु आज सामने आने पर सब बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी और मन साफ हो जाएंगे। उपाय आप कर सकते हैं, घर से थोड़ी दूर स्थित पीपल के वृक्ष में जल देंगे आप, शाम के समय उसकी जड़ में दीपक जलाएं तो आपके रोजगार या व्यापार में आपको उन्नति हासिल होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए आज 2। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। प्रिय साथियों, जो भी आपके सामाजिक संपर्क हैं समाज में, उन पर आपको अभी और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और समाज के अंदर जो लोग हैं वो भी आपसे कुछ और अधिक बेहतर संबंध बनाने की अपेक्षा करेंगे। हालांकि आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व है ये भी सबको प्रभावित जरूर करेगा, और इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नुकसान पहुंचाने की या तो कोशिश कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद अपने हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय आप करें, पराई स्त्री के प्रति अपनी नजरें बिल्कुल साफ रखिए, अगर ऐसा करेंगे तो आर्थिक उन्नति निश्चित रूप से आपकी होने वाली है। शुभ रंग आपके लिए है संतरी, शुभ अंक आपके लिए है आज 7। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। आज आप चीजों को लेकर के काफी एक्साइटेड रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण अपने ऊपर पसंद नहीं करना चाहेंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, इसके स्थान पर खुशी और प्यार बस आपको लोगों को देना है, इतना कार्य आप करिएगा और बदले में आपको खूब खुशी और प्यार मिलने वाला है। अपनी कार्य की जो अपने जो काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर आप उसमें रंग भर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग। उपाय आप करें, इस मंत्र का जप करेंगे एक माला या तीन माला तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रां क्रीं क्रों स भूमाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुखों के लिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज 3। मीन राशि अंत में यानी कि पाइसेस साइन। साथियों, आज का दिन कुछ आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि जैसे कुछ एक के बाद एक घटनाक्रम का सिलसिला चलता रहने वाला है, कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता रहेगा, और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और आपको अलग अलग कई दिशाओं में भी काफी एक्टिव रहना पड़ेगा, और सकारात्मक आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे, नकारात्मक नहीं, और आप नई ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण जो आपने अपनी योजनाएं तैयार की हुई हैं उनको भी आप अपने जो समकक्ष आपके जो जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं या आपके सीनियर्स हैं उनके सामने उनको पेश भी करेंगे कि मैंने इस प्रकार की योजनाएं तैयार की हुई हैं आने वाले भविष्य के लिए। हो सकता है अगर तो आप इसमें जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं उनको भी इसमें शरीक कर सकते हैं। और आज के दिन किसी खास व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है,
और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। उपाय आप करेंगे, किसी के विवाह या मंगल कार्य में पूरे तन, मन और धन से यदि आप मदद करते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 3। मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और हमने ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन किस प्रकार व्यतीत हो सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हम अपने वाणी को विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लें इजाजत। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ सहृदय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।